बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। करीब 7 वर्ष होने जा रहे हैं शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन माफिया के अलावा पुलिस वाले ही शराब की सप्लाई कर रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। वर्दी की आड़ में बिहार में शराब लाया जा रहा है, तो वहीं शराब का बड़ा खेल चल रहा है। बंगाल से दारू की लगातार खेप लाई जा रही है और इसके मुख्य जिम्मेदार पुलिस है। आरपीएफ जवान के द्वारा जो है शराब लाया जा रहा है, तो खबर बिहार के मुंगेर से आ रही है सामने, जहां जमालपुर रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरपीएफ जवान को गिरफ्तार किया है। तो वहीं उसके पास से करीब 18 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरपीएफ जवान जो है वो कहीं ना कहीं लगातार ऐसा काम करता था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में दारू माफिया का खेल लगातार जारी है। माफिया भांति भांति के हथकंडे अपनाकर शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं, तो वहीं शराबबंदी की विफलता के पीछे राज्य में पुलिस को भी जिम्मेदार लगातार ठहराया जा रहा है। कई बार इसके सबूत भी मिले हैं, तो वहीं एक बार फिर वर्दी की यार में शराब के धंधे का खुलासा हुआ है। बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जो दावा करते हैं, उनका दावा पूरे तरीके से फेल है। शराब आ रहा है तो आ रहा कहां से? तो उसका जीता जागता उदाहरण सामने निकल के आया है। मुंगेर में जमालपुर रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरपीएफ जवान को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग 18 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरपीएफ जवान की पहचान धरहरा थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव निवासी सुनील प्रसाद सिंह के पुत्र अमरजीत कुमार के रूप में हुई है। अमरजीत चितरंजन रेल जो है कारखाना में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। वहीं पूछताछ में पता चला है कि अमरजीत लंबे समय से शराब के धंधे जो है वो करता था, तो वहीं बादशाह था, शराब लगातार लाता था। देखा जाए तो शराब की खेप बंगाल से बिहार तक पहुंचाने का काम करता था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है अमरजीत एक बार पहले भी शराब के साथ जमालपुर में ही रेल पुलिस के हत्थे चढ़ा था, लेकिन वह मामले को मैनेज करने में सफल रहा था। रेल जो है एसएचओ के द्वारा पैसे के लेन देन के आधार पर छोड़ दिया गया था, परंतु इस बार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जमालपुर रेल एसएचओ दिनेश कुमार ने जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए आरपीएफ जवान के विरुद्ध कांड संख्या 22/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो है न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो वहीं इस संबंध में रेल एसएचओ दिनेश कुमार ने बताया है कि जमालपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आरपीएफ जवान अमरजीत को पकड़ा गया है। उसके पास से लगभग 18 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि उसने कई अहम जानकारी दी है, तो वहीं जिस पर पुलिस लगातार काम कर रही है। बता दें आपको कि शराब माफिया के अलावा वर्दी की आड़ में शराब लाया जा रहा है। बिहार में बंगाल से दारू की खेप जो है लगातार आ रही थी, और जिसको देखते हुए मुंगेर के रेल पुलिस ने कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई कर दी है। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का जवान पकड़ाया जो लगातार शराब लाता था और 18 लीटर शराब उसके पास से पकड़ाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून कैसे सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।